question. A circle drawn as the XY coordinate plane passes through the origin and has chord of length 8 unit and 7 unit on the XY axis respectively. The coordinates of its center are. अब देखो basically उसने क्या बोला है, XY plane है, इसमें एक सर्किल है जो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, ठीक है, और जो ये क्रोड हैं ये इनकी लेंथ उसने दी है x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे 7. अब बेसिकली देखो उसने ये नहीं बोला है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर जो इसका सेंटर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये इस टाइप से सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इन चारों क्वाड्रेंट में किसी में भी हो सकता है. पहली बात, अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बता देता हूँ एंड सेम कोऑर्डिनेट हो जाएंगे विद नेगेटिव पॉजिटिव साइन के अकॉर्डिंग जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग क्वाड्रेंट में होंगे. ओके, तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं. अब उसने इसको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसने 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये ओरिजिन से पास आउट हो रहा है. ओरिजिन से पास आउट होने का मीनिंग क्या है कि जो ये पॉइंट है ओरिजिन वाला, ये इसकी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट आएगा. अब सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट आ रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस के इन बिटवीन में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा. अब ये एंगल 90 डिग्री है, किस पे बन रहा है, ये सर्कमफ्रेंस पे. तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई हुई है जो सर्किल की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल से आप सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे जब एंगल डालते हैं तो ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री बनता है. किसी भी पॉइंट पे आप एंगल चेक करोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा. तो जो सर्किल पे मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं 90% क्वेश्चन में उसने इस थ्योरम का यूज़ किया हुआ है सर्किल पर, क्लियर है. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. यदि 90 डिग्री एंगल बन रहा है इम्प्लाई दैट ये मैक्सिमम क्रोड होगी या फिर बोलो डायगोनल होगा इस सर्किल का, क्लियर है. और यदि ये डायगोनल से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इम्प्लाई दैट मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यदि ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, डायगोनल है, क्लियर है. तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा. अब डायगोनल है तो इसका जो मिडल पॉइंट आएगा वो सेंटर हो जाएगा. अब इसका मिडल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0.7, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8.0. अब इन दोनों पॉइंट को जो इन मिलाने वाली लाइन है इनका, इन बिटवीन का पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है मिडल पॉइंट. कोई भी दो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 है, इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन होगी इनका जो मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हो, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, यही आते हैं मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्लियर है. तो यहाँ पे मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 8/2, 4, 7/2, 3.4. तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आगे वो क्या आगे, 4.3.5. अब यही यदि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता, यही पॉइंट यदि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4.3.5. यही यदि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो -4, -3.5. फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो 4, -3.5. तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हैं बिकॉज उसने हमको जो ये सेंटर है उसके लिए भी कुछ नहीं बोला है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. उसने सिर्फ ये बोला है कि जो ये दो क्रोड है इनकी लेंथ क्या है, 8 और 7 है, सेंटर से पास आउट हो रहा है, तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में सर्किल बन सकता है. तो आपको इन चारों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा. और यहाँ पे अपने पास यदि आप ऑप्शन सी और डी देखोगे, ऑप्शन सी में ये वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन डी में ये वैल्यू दी हुई है,
तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। यदि आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो भी ट्रू है, ऑप्शन डी टिक किया है तो भी वो ट्रू है, ठीक है, दोनों को ही कंसीडर किया गया था। क्लियर है? तो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी एंड डी दोनों दिए हुए हैं।